गुड मॉर्निंग। यह हमारी बीएससी पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमने दोबारा लॉकडाउन होने पर वापस ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। हालांकि पहले वाले लॉकडाउन में मैं इस पेपर का आपको 4.5 यूनिट पूरा करा चुका था, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, वीडियोस के माध्यम के थ्रू। मोर देन 90 वीडियोस इस पेपर के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं आप सबके लिए। आप उन्हें देख सकते हैं, आपको देखने चाहिए। उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस था, थोड़ा सा ऑलमोस्ट हाफ यूनिट का, वो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पूरा करवाया आपको। ऑफलाइन क्लासेस में एक बार पूरा रिवीजन भी कराया हर टॉपिक का। अब क्योंकि काफ़ी टाइम है आपके पास, तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन क्लासेस में वो चीज़ ले रहा हूँ जो हमने ऑफलाइन में की थी, ताकि कंप्लीट सिलेबस आपके पास वीडियोस के रूप में उपलब्ध हो। आप इन वीडियोस को क्रम से देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। इस सेकेंड फेज में हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था डाइजोनियम सॉल्ट। उसमें बताया था कि व्हाट आर डाइजोनियम सॉल्ट्स, देयर नॉमनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। और उसके बाद हमने देखा प्रेपरेशन। डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने का एक ही मेथड है, एनिलीन के डाई एजिटाइजेशन से बनाते हैं। उसका पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया आपको। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट ये था इसके अंदर कि एनिलीन में अगर कोई दूसरे ग्रुप लग जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दी हुई है पिछले वीडियो में, आप उसे देखिएगा दोबारा। एनिलीन में अगर कोई दूसरे ग्रुप लग जाए तो उसका डाइजिटेशन के रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत अच्छी तरह आपको बताया गया था कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, जैसे नाइट्रो, साइनाइड, एल्डिहाइड, एसिड, इस प्रकार के ग्रुप लगते हैं तो डाइजिटेशन का रेट जो है वो कम हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके ऊपर लगे हुए हों तो डाइएजिटेशन का रेट बढ़ जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा कि आपको 3-4 कंपाउंड दे देंगे और लिखेंगे कि इनको डाइएजिटेशन के लिए घटते या बढ़ते क्रम में लिखो, कौन डाइएजिटेशन का रेट फास्ट देगा, कौन स्लो देगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जैसा कि मैंने डाइएजिटेशन बताया था कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर हमें 0 से भी कम रखना चाहिए, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट्स अनस्टेबल होते हैं। लेकिन फिर भी एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो एलिफेटिक से कहीं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्या लिखा आपने, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। इसका कारण क्या है कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं, वो अभी मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा आपको, उनके रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे रिंग में डीलोकलाइज करता है, और ये डीलोकलाइजेशन ही इसको क्या देता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। इस प्रकार का डीलोकलाइजेशन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट में पॉसिबल नहीं होता। तो इट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। तो इसकी जब आंसर आप दे दोगे रेजोनेंस हाइब्रिड है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए हमेशा। मैं आपको बताता हूँ, देखो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बनाओगे तो उसके बाद बिल्कुल साइक्लिक फॉर्म में सही बनते जाएगी आपका। सबसे पहले बना रहा हूँ डाइजोनियम कैटायन, ये डाइजोनियम कैटायन है। देखो पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं एरो आपको बहुत ढंग से दिखाता हूँ। देखो क्या होगा कि ये नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऐसा करने पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कर लेगा अट्रैक्ट, राइट। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेगा और यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी रेजोनेंस, वो कैसी बनेगी आप ध्यान से देखिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का बहुत इंपॉर्टेंस है पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री में, ये कई बार आपने सीखा। अब देखो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, 2। तो इस नाइट्रोजन पे तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव वैसा का वैसा रह गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से चला। अब
ओवरऑल चार्ज सेम ही रहना चाहिए। हालांकि थोड़ा चार्ज सेपरेशन इसमें बढ़ गया है, लेकिन डीलोकलाइजेशन इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए पॉजिटिव चार्ज, हमेशा चार्ज बैलेंस रहना चाहिए जब भी अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इसी प्रकार अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल कम एट दिस पोजिशन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, और ये डीलोकलाइजेशन ही इसको क्या देता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा सभी स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट। अब मैं एरो नहीं दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। कितनी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लिख चुके हैं अब तक, तो आई होप आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई होगी इसकी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वापस देखिए आप, यहाँ क्या आ जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये स्ट्रक्चर। तो इस रेजोनेंस के कारण जिसके कि पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, एरोमेटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं वो कंपेरेटिवली एलिफैटिक से बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे अब एलिफैटिक है, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एलिफैटिक हो गया, दे आर हाईली अनस्टेबल बिकॉज ये क्या करेगा, हमेशा इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके क्या बना लेगा, कार्बोकैटायन बना लेगा एंड इट विल इमीजिएटली गिव नाइट्रोजन। तो एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है और ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके रिएक्शंस। जैसा कि मैंने उस दिन पहले दिन भी बताया था आपको, इसकी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। पहली बात तो यह कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। ये भी क्वेश्चन है अपने आप में वैसे, तो मैं BDC लिख रहा हूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप एबिलिटी, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ डायजो ग्रुप एज N2 गैस। जैसे मैंने यहां बताया आपको, देखो ये जो डायजो ग्रुप है, इट इमीजिएटली टेंड्स टू गिव नाइट्रोजन गैस, और उससे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिनाइल में बन जाएगा, और इसीलिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दूसरा, इनके सिंथेटिक एप्लीकेशंस बहुत हैं। इनकी रिएक्शंस को हम नॉर्मली जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं कि हाउ इट रिएक्ट्स विद दिस टू फॉर्म दिस, इट रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म दिस, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन में सिंथेटिक यूटिलिटी के हिसाब से आपको बताऊंगा, इसकी रिएक्शंस को किस हिसाब से बता करेंगे अपन, सिंथेटिक यूटिलिटी के हिसाब से करेंगे। तो इनकी रिएक्शंस को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ए रिएक्शंस तो कौन सी होती हैं, जिसमें कि डाइजोनियम ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है ना। तो लिख लेते हैं, बल्कि बुरा बता देता हूँ आपको, कि रिएक्शंस इन विच डाइजोनियम ग्रुप is replaced by other groups, और इसी से इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन बनेंगे खूब सारे। यानी क्या मतलब है उसका, वो रिएक्शन जिनमें डाइजोनियम जो ग्रुप है, डाइजोनियम ग्रुप जो है वो अन्य ग्रुप, कोई भी दूसरे ग्रुप जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रो, एल्डिहाइड, एसिड, बहुत सारे ग्रुप से क्या हो सकता है, वो रिप्लेस हो सकता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है वो रिएक्शंस। और नंबर टू रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, डाइजोसेक्शन की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शंस। तो पहले ए हेडिंग की रिएक्शंस करते हैं, जिसमें कि डाइजोनियम ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ओके, अब ए हेडिंग की रिएक्शंस में नंबर वन रिएक्शन देखते हैं अपन, नंबर वाइज लिखेंगे, नंबर वन सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन। देखो नॉर्मल हम जब रिएक्शन करते हैं तो क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन। क्या मतलब हुआ इसका, कि डायजो ग्रुप हटेगा और उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका रिडक्शन हम कर दें किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ठीक है, और ऑन ट्रीटमेंट विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, ये ध्यान रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस आयन,
इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन और विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक ही बात है, रिड्यूसिंग एजेंट ये लें या ये लें, तो इसका जो डाइजोनियम ग्रुप जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाएगा। इसको अपन यूँ बोल सकते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो बेंजीन में बदल जाएगा, इन डाइजो ग्रुप हटेगा बेंजीन में लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या करें, मैंने ये तो समझाया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस एसिड से करने पर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन या सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन कर दें तो ये किससे रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन से। यानी हाइड्रोजन से रिप्लेस का मतलब हो गया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, H3PO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन की प्रेजेंस में बेंजीन H3PO3, ठीक है, और बायपोडक्ट बन जाएगा HCl प्लस N2। ये बायपोडक्ट तो इंपॉर्टेंट है, आपको क्या देखा, देखो ये सब पूरा ग्रुप हटा, ये पूरा ग्रुप हट के हाइड्रोजन लग गया तो बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जब इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा ना तो आपको मज़ा आएगा कि इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या हो सकती है। ये तो रिएक्शन हो गया कि सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन करने के लिए आपको याद रखना है इसकी रिएक्शन किससे करानी है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाए, ये क्योंकि रिड्यूस कर रहा है इसको खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड में, बस है ना। हालांकि एक रिएक्शन और होती है इसके अंदर, हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं इस रिएक्शन के लिए, ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड क्यूप्रस एसिड का। एल्कोहल भी क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है, तो इसको शॉर्ट में लिखता हूँ थोड़ा, रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद एल्कोहल, हियर एल्कोहल इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जब एल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट के एक्ट कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होकर यहाँ क्या बना लेगा, बेंजीन प्लस N2। एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड प्लस HCl। लेकिन ज़्यादातर इस रिएक्शन में आपको इसका यूज़ करेंगे अपन, ओके। अब इसकी, अब नेक्स्ट रिएक्शन ले, इसी रिएक्शन की काफ़ी सारी एप्लीकेशन बताता हूँ मैं आपको, एप्लीकेशन। अब सबसे पहले बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन देखो, एनिलीन इंटू बेंजीन, एनिलीन इंटू बेंजीन क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये होगा कि हमें एनिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, हमें एनिलीन को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन में। तो जब एनिलीन को हम बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि एमिनो ग्रुप को डायरेक्ट, इसको जनरल में याद रखेंगे कि एमिनो ग्रुप को कहीं भी रिमूव करना हो हमें, हमें एमिनो ग्रुप को कहीं भी क्या करना है, रिमूव करना है, तो हम इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्या करेंगे देखो, अब समझो, पहले देखना होता है एनिलीन का मतलब बेंजीन में अमीनो ग्रुप लगा है, अमीनो ग्रुप हटाना हमें, तो अमीनो ग्रुप हटाने के लिए पहले क्या कर देंगे, डायएजिटेशन, वो स्टेप डायएजिटेशन से ये बन जाएगा और इससे बनाना आपको आ गया। तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, हमने बनाया एनिलीन, पहला स्टेप डायएजिटेशन लिखो या ये लिख दो NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन जीरो लिखो हमेशा, NaNO2 और HCl का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रोसेशन करेंगे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाईएजोटाइजेशन पता होना चाहिए, डाई, तो इससे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अब हमें ये हटाना है, इसको हटाने के लिए अभी हमने पढ़ा क्या लिखेंगे अपन, H3PO2 ऑब्लिक क्यूप्रस, ऑब्लिक क्यूप्रस, बस केवल इतना से लिखना है, H3PO2 ऑब्लिक क्यूप्रस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये नहीं लिखेंगे चल जाएगा अपने पास, ये रीजन है इसके लिए। तो आंसर क्या बन जाएगा इससे, बेंजीन, अब देखो एनिलीन इंटू, अब दूसरी चीज़ को एनिलीन इंटू बेंजीन के रूप में याद मत करो, इसको आप कैसे ध्यान रखें कि जब भी एरोमेटिक रिंग में से हमें एमिनो ग्रुप हटाना है, वी वॉन्ट टू रिमूव एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप हटाएंगे तो उसकी उसके यूज में ये रिएक्शन आती है, उस काम में ये रिएक्शन जो है हमारे पास आएगी। क्लियर हुई आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह से, आई होप दिस रिएक्शन इज क्लियर।
और एप्लीकेशन लूँगा अभी इसकी मैं आपको, थोड़ा पेज चेंज करते हैं, आप आराम से समझिए। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं इसकी, देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन लेता हूँ, एप्लीकेशन नंबर टू, एप्लीकेशन नंबर टू लेते हैं टॉलवीन। और आप देख रहे हैं क्यों ये इंटरेस्टिंग है एप्लीकेशन, कितनी सारी रिएक्शन इस रिएक्शन में बताऊंगा मैं आपको, देखना। टॉलवीन इनटू मेटाब्रोमो टॉलवीन, टॉलवीन इनटू मेटाब्रोमो टॉलवीन। सबसे पहले देखना है कि ये एप्लीकेशन क्यों बन गई, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो ये टॉलवीन होता है, अब इसमें ब्रोमो ग्रुप लगाना है। अगर नॉर्मल मेथड से हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो अपने को पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो ब्रोमिन लग सकता है, पैरा पे लग सकता है, लेकिन हम लगाना चाहते हैं मेटा पे, यानी अगेंस्ट डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, उसका जो निर्देशकारी प्रभाव है उसके अगेंस्ट हमें ग्रुप लगाना है। तो अगेंस्ट ग्रुप लगाना इतना आसान हमारा नहीं होगा। तो कैसे कर सकते हैं, एकदम सीधा नहीं होगा। आप देखो बहुत सारे स्टेप्स आएंगे और उसके अंदर ये जो हमने एप्लीकेशन अभी रिएक्शन पढ़ी है इसका यूज भी हम उसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एमिनो ग्रुप लगाते हैं। देखो अब एमिनो ग्रुप भी एकदम सीधा दो स्टेप में एक साथ लिखता हूँ, वरना स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पहला स्टेप मैंने क्या किया, इसका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब रिएक्शन किससे कराई, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई। यहाँ नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ नाइट्रो ग्रुप, अब दूसरा कर दिया, ये रिएक्शन आपको पता है। नाइट्रो ग्रुप को हम एमिनो बदलना चाहते हैं, बताओ क्या करेंगे, आना चाहिए आपको 10 प्लस HCl से रिडक्शन करेंगे। तो नाइट्रो ग्रुप लगा पहले, और नाइट्रो ग्रुप किस में चेंज हो गया, ये मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा आपके पास, एमिनो ग्रुप, पैराटोलिडिन बन गया। अब पैराटोलिडिन, अब हम क्या करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे हम NH2 जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, ब्रोमिनेशन। अब आपको पता है कि ब्रोमिनेशन एमिनो ग्रुप का सीधा नहीं कर सकते, ये पढ़ चुके हैं एनिलीन में हम, हमें इस ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें इस ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन करने के लिए इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ये स्टेप आप एनिलीन के चैप्टर में देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि एमिनो ग्रुप की जो ESR रिएक्शन है वो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए आप एनिलीन वाली रिएक्शन सारी देख सकते हैं, सारे वीडियोज आपके पास उपलब्ध हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, ग्रुप को कर, अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रोमिनेशन कर देंगे, ब्रोमीन से रिएक्शन करा देंगे एसिटिक एसिड के पास। अब क्या होगा, ये ग्रुप डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कैसा, ऑर्थो पैरा, यहाँ पे ब्रोमिनेशन आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया हमने, CH3 NHCO CH3, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, ब्रोमीन ग्रुप। अब देखो, अब नेक्स्ट आप समझ सकते हो हमें क्या करना है, अब हमें इस ग्रुप को हटाना है। इस ग्रुप को हटाने के लिए पहले तो क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस करके इसको रीजनरेट करेंगे, एमिनो ग्रुप आएगा। तो पहले तो क्या कर दिया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने, हाइड्रोलिसिस करने से यह एसिटिक एसिड निकल जाएगा और यहाँ एमिनो ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। ओके, एमिनो ग्रुप रीजनरेट हो गया जी, ये CH3 और ये BR, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, NH2। अब आपको तो मेटाब्रोमोटोलिन बनाना था, ब्रोमीन वहाँ लग चुका है, अब आपका काम क्या है, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए क्या मेथड है, अभी हमने इस रिएक्शन का यूज़ किया, इसको रिमूव करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक साथ लिखता हूँ। पहले हमने क्या किया, पिछली रिएक्शन में कर चुके, तब इसको एक साथ लिख दिया, पहला कर दिया डाई एजोटाइजेशन, पहला क्या कर दिया हमने, डाई एजिटेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन कराएंगे H3PO2+ Q% से, यानी डायजोनियम में कन्वर्ट हुआ, डायजोनियम में कन्वर्ट होने के बाद इससे रिएक्शन कराइए, रिमूव हो गया, रिमूव होकर किस में बन गया, प्रोडक्ट बन गया मेटाब्रोमोटोलिन। तो आप देख सकते हैं कि इतना आसान नहीं था ना, कितने सारा काम करना पड़ता है, तब जाके ये किस में कन्वर्ट हुआ, मेटाब्रोमोटोलिन में कन्वर्ट हुआ। क्लियर हो रही है आपको अच्छी तरह से ये बात, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब अगेंस्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ग्रुप लगाना आसान नहीं होता। हमने केवल एक रिएक्शन का यूज़ किया,
कि एनिलीन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेंजीन में, राइट। और उसके लिए प्रोसेस क्या यूज़ किया, डायजिटेशन, डायजोनियम क्लोराइड लिया और डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवा दी, दिस से, ठीक है। चलो ये एप्लीकेशन की हमने अभी, इसी के कंटिन्यू करेंगे यहीं से और एप्लीकेशंस कंटिन्यू करेंगे। अभी इसी रिएक्शन की और एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, नंबर थर्ड, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डायजोनियम क्लोराइड पार्ट थर्ड में। जितना किया है मैं हर बार आपको बताता हूँ, उन वीडियोज़ को क्रम से देखें आप, शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए इतने उपयोगी हैं कि आपको एग्ज़ाम में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। कीप डूइंग योर वर्क रेगुलरली एट होम, स्टे सेफ एट होम। थैंक यू वेरी मच।